मौलवी साहब मेरी चार शादियां हो गई हैं और पहली का इंतकाल हो गया, आप गले लगो यार, किधर है ये बंदा यार, बंदा कहाँ है, तो क्या मैं एक और कर सकता हूँ? भाई एक और कर ले, लेकिन इस नीयत से नहीं कि फिर दूसरी को मारूंगा, फिर तीसरी करूंगा, फिर तीसरी को मारूंगा, फिर एक और करूंगा, फिर चौथी को मारूंगा, एक और करूंगा। अगर कुदरत की तरफ से ये पैकेज मिला हुआ है आपको कि जैसे जैसे करते जा रहे पुरानी वाली मरती जा रही है, फिर कुदरत की तरफ से अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन अगर ये कुदरत की तरफ से ऐसा पैकेज है तो करते जाओ करते जाओ करते, एक वक्त में चार रख सकते हैं, समझते हो या नहीं समझते? तो एक बीवी अगर खुदा ना ख्वास्ता मर गई, अल्लाह किसी की बीवी ना मारे, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, जब मरती है तो पता चलता है आदमी का, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। नई नई औरतों का जिनको शौक होता है ना, ये चार दिन का होता है, लगती पुरानी वाली ही अच्छी है, हकीकत बताऊँ आपको मैं, जिसने टाइम गुजारा होता है। मर्द की फितरत ये है, बुरी फितरत है कि बच्चा हमेशा अपना अच्छा लगेगा, बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगेगी। इसको अपना बच्चा कैसा काला कलोटा नाक बह रही है आड़ा तिरछा, फिर भी दिल करता है उसको, अपनी बच्ची भी अपना बच्चा भी, और बीवी अपनी कितनी खूबसूरत हो, दूसरा कोई कलोटी लेके घूम रहा हो वो अच्छी लगती है, ये मर्द की गलत फितरत है। वजह क्या है? जो चीज़ नहीं होती उसकी कदर नहीं होती, उसकी कदर जो चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती। तो कई लोग हम जानते हैं बीवी से नफरत थी, तलाक दे दी, दोबारा शादी की, अब उनको याद कौन आ रहा है? पुरानी वाली याद आ रही। तो ये जो नहीं होती है ना चार छः दिन में, ये भी क्या बन जाती है? ये भी पुरानी बन जाती है। तो ये चार छः दिन की बात होती है, तो वो पुरानी जो है ना उसकी कदर करो, कोशिश करो, चार अगर हैं तो दुआ करो अल्लाह इन चारों को जिंदा रखे। ये ना कहो वो एक अब्बा की बीवी मर गई ना, एक आदमी के अब्बा की यानी अम्मा मर गई, तो अब्बा ने एक और शादी कर ली, इसकी नहीं मरी थी, इसने होते हुए दूसरी शादी कर ली, तो अब्बा ने बोला कमबख्त तूने दूसरी क्यों की है? उसने कहा अब्बा आपने भी तो की है। तो इसने कहा अब्बा ने कहा बेटा मेरी तो बीवी मर गई थी इसलिए की है। तो ये कहता मेरी नहीं मर रही तो मेरा क्या कसूर है इसमें, ठीक है ना? तो किसी की चार बीवियाँ, एक मर जाए तो फौरन कर सकता है, लेकिन अगर एक को तलाक दे दे तो फौरन नहीं कर सकता, समझते हो? जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती ये शादी नहीं कर सकता, समझते हो? क्योंकि इद्दत के दौरान भी मिनवजिन कुछ निकाह के हकाम बाकी रहते हैं। इसी तरह दो बहनों से एक टाइम पे शादी नहीं हो सकती, अगर एक बहन का इंतकाल हो गया तो फौरन उसकी बहन से शादी कर सकता है, लेकिन अगर एक बहन को तलाक दे दी है तो जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं होती इसकी बहन से निकाह बोलो नहीं हो सकता। तो बात सूरतें ऐसी हैं कि मर्द भी बाउंड हो जाता है इद्दत के। हाँ अगर तीन बीवियाँ थीं एक को छोड़ दिया फौरन कर सकते हो, लेकिन अगर चार किसी की वाइफ मौजूद हैं तो एक को छोड़ते ही फौरन शादी नहीं कर सकता, वो इद्दत जब तक उसकी मुकम्मल नहीं होगी आपको निकाह की इजाज़त नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? वरना तो ये अब ऐसा होता नहीं है इतने आराम से, चार किसने कर किसने लिए हैं, कहाँ है ये बंदा, छुप क्यों रहा है, क्या छुपा के किए हैं, कहाँ है भाई ये जिस बंदे ने किए हैं, और एक का इंतकाल भी हो गया यार, यानी अफसोस तो हो रहा है लेकिन सुन के अजीब सा लग भी रहा है। अच्छा भाई मोहतरम, अगर किसी जानी को मारने के लिए किसी का साथ दे, किसी जानी को मारने के लिए किसी का साथ देना चाहिए, जानी को आपको मारने की इजाज़त नहीं है, उस पर केस होगा, अदालत सज़ा देगी, आप ना करें, आप समझा दें, मोहब्बत से पतली गली से निकल लें। क्या तंगदस्ती का ताल्लुक सुस्ती या पोस्तीपन से है या आजमाइश है? दोनों से है, कभी अल्लाह की तरफ से होता है, आप पूरी मेहनत कर लो अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े नहीं खोलता, और कभी आप कुछ भी नहीं कर रहे होते रिस्क बरस रहा होता है आपके ऊपर, बड़े बड़े पोस्ती हमने देखे हैं, नोट गिनने का टाइम नहीं है उनके पास, तो अल्लाह की तरफ से है ये। लेकिन नॉर्मली अल्लाह का जो कायदा है कि जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है, बशर्ते कि मेहनत सही जाविये पे करे, वो आम तौर पे ऐसा ही मिलता है। कुरान ने कहा मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, जो इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए कोशिश करेगा तो जितनी हम चाहेंगे और जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। तो पता चला कि कोशिश पे भी दुनिया मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है? जितनी अल्लाह चाहता है और जिसको अल्लाह चाहता है, तो सबको मिलेगा भी नहीं और उतना भी नहीं जितना आप चाहते हैं, ऐन मुमकिन है आपकी चाहत से ज़्यादा मिल जाए और ऐन मुमकिन है आपकी चाहत के बराबर मिल जाए, ऐन मुमकिन है आपकी चाहत से कम मिल जाए। रिस्क का ताल्लुक बहुत ज़्यादा तकदीर से है, बहुत ज़्यादा। तो हमें हुक्म है मेहनत करना है, तो फ़ायदा ये होगा मेहनत का कि मेहनत करने के बाद अगर रिस्क नहीं मिला तो सब्र का सवाब मिलेगा। पोस्तीपन में ज़िंदगी गुजारे
تو پھر اگر رزق نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا، کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے، گھر میں غربت بھی ہے، دماغ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو کام کرنے کا دل، بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی، کوئی ٹینشن ہے، تو جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابان ہو گیا، عالم بیابان ہو گیا۔ جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے۔